विधानसभा चुनाव को लेकर राजद ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है। चुनावी भवन में पूरी ताकत के साथ छलांग लगाते हुए राजद ने झारखंड का चौमुखी विकास के लिए गरीबी उन्मूलन को अपनी पहली प्राथमिकता बताई है। राजद के प्रदेश अध्यक्ष ने ग्रामीण रोजगार की गारंटी दी, साथ ही महिला सशक्तिकरण, बाल मजदूरी और मानव तस्करी के विरुद्ध अभियान चलाने की बात कही। साथ ही साथ नव जनजातीय भाषाओं की उन्नति के लिए प्रयास करने के बारे में बताया। इस दौरान उन्होंने प्राथमिक शिक्षा में मातृभाषा का प्रयोग को बढ़ावा देना और 3 महीने के अंदर नए राशन कार्ड बनाने के बारे में भी कहा है। माउलिंचिंग पर कड़े कानून बनाए जाएंगे, 12 शिक्षकों को अस्थायी किया जाएगा, आपके आंगनबाड़ी सेविका सहायिका सहिया जल सहिया सब होमगार्ड को अस्थायी किया जाएगा, पेंशन जो है जो पुरानी जो पेंशन रुक गई है उन लोगों को जिस दिन से पेंशन रुकी है उस दिन से ही उन लोगों को लागू किया जाएगा। कृषि के क्षेत्र में विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा। यहाँ जो विकास के लिए कृषि आधारित जो विकास है और यहाँ जो खदान है, खदानों पर जो पूंजीपतियों की जो नज़र है उस नज़र के लिए हम लोग खदान को लघु योजना के तहत उन लोगों के जो वहाँ जो नीडी लोग हैं उन लोगों को रोजगार मुहैया कराया जाएगा। सबरंग समाचार के लिए रांची से रिजवान की रिपोर्ट।